के अलमाश के अंदर गई है। तो अलमाश इज़ बिजी समवेयर, तो जब तक वो अपना काम कर रही है आई विल हैंडल द चैनल, मैं ज़रा वीडियो बनाऊँगी। तो ईद है, मैंने सोचा कुछ अच्छा सा ब्लॉग बनाते हैं, ईद है तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा ब्लॉग बनाते हैं। आज जो है वो सेकेंड लास्ट और प्रॉबली द लास्ट रोज़ा है। कल जो है इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ईद होगी, तो जो अभी जो है मैं ऑफिस जा रही हूँ और फिर जो है वो ईद की कुछ ग्रॉसरी भी करनी है, लिस्ट वगैरह मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, मेन्यू क्या है, ईद पे क्या बना रहे हैं वो आपको खुद बताएंगे। तो अभी जो है वो जाते हैं ऑफिस और उसके बाद जो है ना ग्रॉसरी करूँगी, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या ले रही हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। के लिए जो भी चीज़ें लानी थी वो मैं लेकर आ गई हूँ घर, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया। वजह ये थी कि रिकॉर्ड करना ज़रा मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो आई एम नॉट दैट फ्रेंडली विद द कैमरा, लोगों के सामने जो है वो इससे इस तरह फ्रेंडली मुझसे बात नहीं होती है कैमरे से। एंड सेकेंडली रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हार्डली वहाँ पर जो है वो मैंने चीज़ें ही ली हैं, कैमरा तो मुझे याद भी नहीं था, तो काफ़ी रश था। मतलब आपको पता ही है कि जो लास्ट डे होता है सब लोगों ने अपने जितने भी काम होते हैं वो तैयार रखे होते हैं लास्ट डे के लिए, हमारी तरह सब लोग, हम पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, हर काम जो है आखिर पे करते हैं। तो चीज़ें मेजर मेजर मैं लेकर आ गई हूँ, जो बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी, बड़े मज़ेदार से। मैं आपको पता है वैसे ट्राई पर मैं बनाती हूँ, हर बार जो है हम लोग ईद पर ट्राई पर बनाते हैं और ये इतने मज़े का बनता है, घर में सबको बहुत पसंद आता है। एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को दिखानी है जो मैं लेकर आई हूँ वो ये स्टीव्स का स्क्रब है, इट्स स्टीव्स एनर्जाइजिंग कोकोनट एंड कॉफ़ी स्क्रब। आई होप यू कैन सी, इज़ इट विजिबल, नहीं है, ये स्क्रब है। और इससे पहले जो स्टीव्स का मैंने स्क्रब यूज़ किया है वो है अवकाडो, और वो इतना अच्छा स्क्रब था, बहुत ज़्यादा, उससे ज़रा इंस्पायर होकर मैंने सोचा स्टीव्स का जो है ना वही वाला स्क्रब दोबारा लेकर आती हूँ, लेकिन वो नहीं था अवेलेबल, तो फिर जो है वो मैंने इसे चूज़ किया। अभी जो है मैं इसे ट्राई करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मैं फिर से तैयार हो गई हूँ, होने वाला टाइम 11 का, और मेरे दोबारा तैयार होने की वजह ये है कि जी एकदम से हमारा प्लान बना है कि वी आर गोना मेकिंग लज़ानिया, और लज़ानिया बनाने के लिए लज़ानिया शीट्स नहीं है। तो अभी जो है हम जा रहे हैं, चांद रात है, तो माइंड पूरा मेरा बना हुआ है कि बहुत रश होने वाला है और चीज़ें जो है ना मुश्किल हो जानी हैं, लेकिन कोई नहीं, जाते हैं और लेकर आते हैं, क्योंकि लज़ानिया से आगे कुछ नहीं, लज़ानिया के लिए कुछ नहीं। चले जी, तो मैं लज़ानिया शीट्स लेकर आती हूँ, अगर आप समझ लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं रिव्यू आप लोगों को दे देती हूँ, मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो वाला स्क्रब जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, स्क्रब इज़ गुड, लेकिन आप देख लो थोड़ा सा मेरा फेस रेड हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, ये थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है पता नहीं क्यों, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है स्क्रब एक अच्छा है, मतलब अच्छा स्क्रब लाइट है और है ना अच्छे से क्लीन भी करता है और मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन को करता है। चले जी, तो मैं जाती हूँ और फिर आपसे मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में, फिर मुझे ट्राइफल भी बताना। यहाँ पर जो है वो कस्टर्ड मैंने बनाने के लिए रख दिया है, यहाँ पर जो है वो मेरे पास जेलीज हैं, ये है जी रफान की दो जेलियाँ, मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे ये पसंद है, तो अभी जो है वो इन्हें देखते हैं। ये मेरे ख्याल में 2 कप पानी इसमें डालते हैं और जेली को रखते हैं। देखिए, तो कस्टर्ड डाल दिया मैंने, अब हम डालेंगे इसके ऊपर फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एप्पल एंड बनाना, मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वो काट ली हैं, इसके ऊपर हम ये डालते हैं। ओके जी, फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप कौन सा फ्रूट पसंद करते हो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप जो है ना एप्पल एंड बनाना यूज़ करो, ये नहीं कि स्ट्रॉबेरी यूज़ कर ली या कोई भी इस तरह का फ्रूट, क्या करेगा कि आपके कस्टर्ड में ना पानी भी कर सकता है, क्योंकि ये फ्रूट्स जो है ना थोड़े सिट्रस होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स सर अवॉइड कीजिएगा, एप्पल एंड बनाना आर परफेक्ट। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया, अब इसके बाद जो चीज़ है वो है क्रीम, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिल्क पैक की क्रीम, तो ये आप थोड़ी सी डाल लो, पहले हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि बाद में जो लेयर होगी उसके ऊपर भी हम डालेंगे, उसमें भी डालेंगे, इससे थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से मिक्स कर लो आप इसमें, दैट्स इट, ठीक है। ओके जी, अब इसके ऊपर अगेन हम डालेंगे अपने कस्टर्ड की लेयर, तो कस्टर्ड की लेयर डालते हैं, इसके ऊपर फिर से हम कस्टर्ड डाल देते हैं, फ्रूट्स डालें और उसके बाद फिर से कस्टर्ड डाल, ठीक है।
अब इसके ऊपर जेलीज डालेंगे, फिर से क्रीम डालेंगे, थोड़े से क्रश्ड आलमंड्स डालेंगे एंड फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके सो देयर यू गो विद द फाइनल लुक। मैंने इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है मैंने डाल दिया जेली, उसके साथ क्रीम डाली है और उसके साथ जो मैंने थोड़े से क्रश आलमंड्स डाले, दैट्स इट। ये इतने मज़े का बनता है, इसे बिल्कुल चिल करके खाएं। यहाँ बन रही है मज़ेदार सी कढ़ाई, गैस ने हमारा साथ छोड़ दिया है और अब ये मैं बना रही हूँ सिलेंडर पर। शन कितने ही दी हुई है आपकी? हुई है बाकी सारे तो मैंने खा लिए। अभी 7100 हुई है आपकी दी? ये 7000 है 10-10 के नोट? नहीं, हाँ जी ये तो 500। अच्छा ये 500 है, बाकी के कौन से लॉकअप में रखे हुए हैं? अच्छा इतनी दी हुई है आपकी, किसने दी है आपको इतने पैसे? मामा ने दिया 3000। अच्छा 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 और बहन ने भी, आपने दी है खुद, याद है तुझे 600 रुपया तूने भी दिया था मुझे। अल्लाह जी सही हो गया ना, अमीर है, अमीर को देखना हो तो इसको देख लो। नहीं, आपने किसी अमीर को देखना हो? ओए कैमरे के अंदर आ नहीं सकते, पैसे नहीं आ सकते क्या? आप नहीं आ सकते के जी। तो इन प्रोसेस है हमारा लज़ानिया। यहाँ पर मैंने बनाई है चिकन रेड सॉस, इसके साथ यहाँ पर हम लोग बना चुके हैं अपना वाइट सॉस। अभी जो है वो असेंबलिंग करेंगे इनकी और जो है चीज़ डालेंगे और उसे बेक करेंगे। तो फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर ये एक अच्छी जो है वो लुक नहीं दे रहा, आई डोंट नो व्हाई, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा कैमरा। टाटा लज़ानिया हमारा रेडी हो चुका है, अभी जो है ना सबको चेक करवाते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसा बना। किसी ने कोई मेरी मदद नहीं की, मेरी मामा के सिवा। अभी ये थोड़ा सा ज़रा चेक करें और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना। अभी बहुत गर्म है फिर भी मैं कर लेती हूँ। मज़ेदार। मेरी मम्मी पीछे से आ रही हैं, बहुत मज़ेदार। चलें जी बाकी से भी पूछते हैं, गाइस सब पूछते हैं, बताएं सुशांत कैसा बना है? बहुत मज़ेदार, खा दो। चलें जी अब आप कैसा है? अच्छा है, बहुत मज़ेदार। मेरी सब YouTube की फैमिली को मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक, और आज ईद का दूसरा दिन है एंड एज़ ऑलवेज़ आप लोग जान देंगे आपकी बहन कभी भी पहले दिन ईद के तैयार नहीं होती, जब भी होना होता है मुझे दूसरे दिन ही होना होता है और आज भी मैं दूसरे दिन हुई हूँ। पिक्स वगैरह मैंने ले ली हैं बट बीच में से एक दो मुझे पसंद आई है, मे बी मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँ ना करूँ, खैर अभी जो है मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना रही, बट मेरे जहन में यही था कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि उस पर व्लॉग ही अपलोड ना हो। तो मैंने अपनी बड़ी बहन कहा था कि तुम मेरे लिए इतना कर दो कि तुम व्लॉग अपलोड कर दिया करो, सो उसने ईद का व्लॉग बनाया है जो वो अपलोड भी करेगी, तो आप लोगों ने उस पर ढेर सारा प्यार दिखाना है, ठीक है। और बस अभी ये छोटा सा क्लिप बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को अपनी शक्ल दिखा दूं कि मैं इधर ही हूँ और इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं ख़ुद व्लॉगिंग किया करूँगी। किटे दूसरों के घर में ताकि जा के काम करो। इधर आओ, लोगों को मेरा फुल लुक दिखाओ। अभी जो है मैं अपनी बहन को कहती हूँ कि अब वो आपको दिखाए मैं कैसी लग रही हूँ, इधर से ना पकड़ के थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है ऐसी बस, ठीक है। मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना है और इसके साथ पिंक कलर की इयररिंग्स जो मैं एक बार पहले भी पहन चुकी, तो क्या हुआ मेरे ही है ना, फिर से पहन लेते हैं। और ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं, नेकलेस हाँ, और ये भी मैं पहले पहन चुकी हूँ, तो क्या हुआ ये भी तो मेरा अपना ही, फिर नहीं पहन सकते क्या? बाकी ये जो ड्रेस है ये मैंने न्यू स्टिच करवाया था, ईद के लिए नहीं था वैसे ही, मैंने वैसे सोचा हुआ था एक इंस्टाग्राम के पेज से, बट खैर मैंने कहा चलो खैर है अब स्टिच करवाया हुआ तो पहन लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा शक्ल दिखा मेरी, और दूसरी चीज़ ये कि मेरा यही सिग्नेचर हेयर स्टाइल रहता है हमेशा, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं कौन से वाला हेयर स्टाइल बनाऊँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ टोटली तैयार होकर दरमियान की मांग निकाली और ऑल सेट, और रेड कलर की लिपस्टिक ऑल टाइम माई फेवरेट, और बस ये मेरा लुक और ये मेरा थोबड़ा, और उम्मीद है कि आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी। लव यू ऑल।